Hello friends, welcome back to our channel. In today's video, I want to tell you how to solve sound problem. दोस्तों अगर आपके फ़ोन में स्पीकर काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, कोई कॉल कर रहा है तो आवाज़ नहीं आ रहा है, या सेटिंग्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रखी है। मेरे साथ भी कुछ दिन पहले ठीक ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ था। मैंने किस तरीके से इस प्रॉब्लम को ठीक किया है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। नंबर वन, फ़ोन रिस्टार्ट। कई बार हमारे फ़ोन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाते हैं, या कभी कभी जब हम हेडफोन यूज़ करते हैं तब फ़ोन में स्पीकर का आवाज़ बंद हो जाता है। इसे ठीक करने के लिए फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ऊपर से क्विक पैनल ओपन करेंगे या पावर ऑन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए, फिर मोबाइल का स्पीकर ठीक हो जाएगा। नंबर टू, साउंड सेटिंग्स। दोस्तों फ़ोन रिस्टार्ट करने से आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो कुछ सेटिंग्स चेंज करना पड़ेगा। अब फ़ोन सेटिंग्स में जाइए, इसके बाद साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने साउंड एडिट का भी सारे सेटिंग्स चले आएगा। इन तीनों ऑप्शन में अगर म्यूट सेट किया हुआ है तो यहाँ टेम्पोरारी म्यूट ऑप्शन को डिसेबल करके साउंड मोड सेट कीजिए, नहीं तो कॉल रिंग टोन नहीं बजेगा। इसके बाद वॉल्यूम में जाके इसका रिंग टोन, मीडिया वॉल्यूम, नोटिफिकेशन एंड सिस्टम साउंड को फुल कर दीजिए। साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट में जाके इक्वलाइजर को नॉर्मल रखना है। अगर आपको अच्छा क्वालिटी का साउंड चाहिए तो डॉल्बी एटमॉस का इन दोनों ऑप्शन ऑन कर दीजिए। गेम खेलते समय, मूवी देखते समय आपको बहुत बढ़िया साउंड मिलेगा। आप साउंड सेटिंग से बाहर आइए, इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर जाना है। नेक्स्ट एक्सेल्ड में जाइए, इसके बाद हियरिंग एनहांसमेंट में जाइए। दोस्तों यहाँ पर म्यूट ऑल साउंड अगर ऑन किया हुआ है तो इसे डिसेबल कर दीजिए। इसके बाद कनेक्टेड ऑडियो एंड फोन स्पीकर को मिडिल में रखना होगा। दोस्तों इन सभी सेटिंग्स को चेंज करने के बाद आपके फ़ोन में सभी प्रकार का साउंड रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो फ़ोन का स्पीकर बदलने की ज़रूरत है। आप एक अच्छा टेक्नीशियन के पास जाइए और अपना स्पीकर चेंज कर लीजिए। दोस्तों उम्मीद करते हो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।